हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेलकम गुरुजी चैनल पर। मेरा नाम है जगजीत, आप सबका दोस्त, इस चैनल का होस्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी MI TV स्टिक को अपने कंप्यूटर मॉनिटर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, MI बॉक्स को मॉनिटर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक दो वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उन वीडियो में मुझे आपके कमेंट देखने को मिले थे कि हम अपनी MI TV स्टिक को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर मॉनिटर के साथ। तो अगर आपके पास भी कोई पुराना मॉनिटर बंद पड़ा है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप इस MI TV स्टिक को अपने मॉनिटर के साथ लगा के अपने मॉनिटर को एक एंड्रॉयड टीवी बना सकते हैं। तो दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, MI TV स्टिक को कंप्यूटर मॉनिटर के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए MI TV स्टिक, जो कि आप flipkart.com से या फिर me.com से परचेस कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ आपको चाहिए एक HDMI to VGA कन्वर्टर, साथ में आपको चाहिए एक स्पीकर। आप ब्लूटूथ स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऑक्स केबल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल स्पीकर यूज़ करेंगे तो आपको एक ऑक्स केबल की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ में आपको चाहिए एक HDMI फीमेल टू फीमेल कपलर, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी को कलेक्ट करने के बाद आप अपने कंप्यूटर मॉनिटर के साथ अपने MI TV स्टिक को कनेक्ट कर सकते हैं और उसको एक एंड्रॉयड टीवी की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने पावर अडैप्टर की जो पावर केबल है उसको आपने अपनी MI TV स्टिक के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने जो इसका दूसरा पोर्ट होगा उसको पावर प्लग में लगा देना है। उसके बाद आपने एक HDMI फीमेल टू फीमेल कपलर आपको मिलेगा, इसको एक सिरा आपने इस MI TV स्टिक के अंदर लगा देना है और दूसरे सिरे में अपने HDMI टू VGA कन्वर्टर को लगाना है। आपने इनको अच्छी तरह से कनेक्ट कर देना ताकि सिग्नल लॉस ना हो। उसके बाद जो आपके मॉनिटर की VGA केबल होगी उसको आपने इस कन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो अभी ये जो हमारी MI TV स्टिक है, इस कपलर की हेल्प से इस HDMI टू VGA अडैप्टर के साथ कनेक्ट हो चुकी है और उसके बाद आपने पावर प्लग को ऑन कर देना है। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने पावर प्लग को ऑन किया, हमें अपने कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर MI TV स्टिक का डिस्प्ले नज़र आने लगा है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको MI नज़र आ रहा है और एंड्रॉयड टीवी की जो स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से शुरू हो चुकी है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, बड़ी आसानी से हमने अपनी MI TV स्टिक को अपने कंप्यूटर मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके उसको एक एंड्रॉयड टीवी बना दिया है। तो दोस्तों, मैंने MI TV स्टिक को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो अब मैं सबसे पहले इस ब्लूटूथ स्पीकर को इस टीवी स्टिक के साथ कनेक्ट करता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले सेटिंग पर जाना है और यहां से रिमोट एंड एसेसरीज पर जाना है और उसके बाद ऐड एसेसरी पे क्लिक करना है। तो अभी सर्चिंग हो रही है, तो थोड़ी देर में जो मेरा MI आउटडोर स्पीकर है वो यहाँ पर सर्च में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर हमें MI आउटडोर ब्लूटूथ स्पीकर नज़र आ रहा है। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपने एक बार फिर से पेयर के बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह करके आप देख सकते हैं, हमारा ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो इस MI TV स्टिक के साथ कनेक्टेड हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ से बाहर आ जाना है। तो अब मैं जो भी वीडियो इस MI TV स्टिक के अंदर प्ले करूँगा उसकी साउंड आपको इस ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर से आएगी। आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ म्यूजिक सुना देता हूँ यूट्यूब से, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको केवल नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक ही सुना सकता हूँ। तो देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारी MI TV स्टिक इस कन्वर्टर की हेल्प से हमारे कंप्यूटर मॉनिटर के साथ कनेक्टेड है। तो अभी मैं आपको यहाँ से नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक सुनाता हूँ। आप देख सकते हैं, जो साउंड की आउटपुट है वो स्पीकर में से आ रही है। हमारे इस मॉनिटर के साथ कोई भी स्पीकर कनेक्टेड नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई इनबिल्ट स्पीकर है। जो भी साउंड आ रही है वो स्पीकर में से आ रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर नहीं है, नॉर्मल स्पीकर है, तो आप उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ऑक्स केबल को लेकर आता हूं। तो ऑक्स केबल को आपने
ये जो HDMI टू VGA कन्वर्टर है इसके यहाँ पर आपको 3.5 mm का पोर्ट मिलेगा, यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट कर देना है। स्पीकर के अंदर आपको ऑक्स का पोर्ट मिलेगा, वहाँ पर लगाना है। मेरे MI ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर यहाँ पर है, आपके ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, आपने वहाँ पर इस ऑक्स केबल के दूसरे सिरे को लगा देना है। अब मैं आपको सबसे पहले इस MI ब्लूटूथ स्पीकर को डिसकनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं रिमोट एंड एसेसरी में जाऊँगा और यहाँ से MI ब्लूटूथ स्पीकर को मैं अनपेयर कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा अब ब्लूटूथ स्पीकर था MI का, वो यहाँ से अनपेयर हो चुका है, यानी कि ब्लूटूथ के जरिए अब हमें साउंड नहीं मिलेगी। तो अब मैं आपको इस केबल के जरिए साउंड सुनाऊंगा। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने नॉर्मल मॉनिटर को एक एंड्रॉइड टीवी बना सकते हैं और जियो टीवी एप्लीकेशन को यूज़ करके लाइव चैनलों का मजा ले सकते हैं। जियो टीवी MI टीवी स्टिक में कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।